अभी आप लोग कोतवाली थाने आए हैं, क्या मामला है, क्या कुछ लेकर आए हैं यहाँ, किसी कंप्लेंट जो करना है? ये हमारे बैनर को फाड़ा जा रहा है, भाजपा की ओर से पटना महानगर के बैनर को फाड़ा जा रहा है। हम लोगों ने इसका कंप्लेंट करने हम लोग आए थे यहाँ पर, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। पटना पुलिस का दावा है कि हमारे हर चौराहे पे, हर जगह पे, हर पौष इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो हम लोगों ने ये मांग की है और हम लोगों ने कंप्लेंट भी किया है कि सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आगामी 3 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं पटना महारैली को संबोधित करने के लिए, और जिस तरीके का सामाजिक तत्वों द्वारा ये बैनर फाड़ा जा रहा है, पोस्टर फाड़ा जा रहा है, खास करके सुनियोजित तरीके से पटना महानगर के बैनर को फाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई साजिश है और इस साजिश के साजिशकर्ता को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। इस साजिश में कौन हो सकता है? इस साजिश में विपक्ष के लोग हो सकते हैं, जो डर रहे हैं राजनीति में वो लोग हो सकते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, इसमें कोई भी हो सकते हैं। इसमें पुलिस इस मसले पे क्या बोली? पुलिस ने कहा है कि मैं अभी DSP साहब से मेरी बात हुई, थाना प्रभारी महोदय से बात, उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज को निकाल कर इसकी जांच की जाएगी, कौन दोषी लोग हैं, उनको उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? मनीष कुमार, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष, पटना महानगर। चौराहे के पर कुछ क्वेश्चन को कुछ सामाजिक सूत्रों के द्वारा फाड़ा गया है, हम लोग अविलंब चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई। CCTV से भी कुछ जी CCTV फुटेज से हम लोग देखेंगे कौन से वो सामाजिक तत्व जैसा कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई करेंगे।